हाय एवरीवन आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है सो so फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ये न्यू डिजाइन का क्रोशिया स्टैंड बनाएंगे देखिए ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है ये पिंक कलर का फ्लावर और ये छोटा छोटा मोती लगाए हैं हमने इसमें और इसको आप पेन स्टैंड भी बना सकते हैं देखिए दिखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसे बनाने में हमने टू कलर लिए हैं लाइट ग्रीन कलर और लाइट पिंक कलर ये देखिए इस तरह से आप या स्टैंड बना सकते हैं इसे ये बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तो सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने ये टू पॉइंट फाइव एम एम का क्रोशिया लिया है और ये लाइट ग्रीन कलर का ऊल सबसे पहले हम एक हुक नट बनाएंगे और सिक्स चेन लेके एक रिंग बनाएंगे इस तरह से अब हम थ्री चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री फोर इसी तरह से हमें ट्वेंटी डबल क्रोशिया बनाना है फर्स्ट थ्री चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया से काउंट करेंगे चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए हमने ट्वेंटी डबल क्रोशिया बना लिए हैं अब हम फर्स्ट तीन चेन लिए थे वहीं से हम उसको लॉक कर देंगे इस तरह से अब हम फिर से थ्री चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से उसके आगे भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया के ऊपर से हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल 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 क्रोशिया बनाना है अब हमें फर्स्ट राउंड में हम ट्वेंटी डबल क्रोशिया बनाए थे सेकेंड राउंड में हम फोर्टी डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया के ऊपर से टू टू डबल क्रोशिया बनाना है ये देखिए हमने फोर्टी डबल क्रोशिया बना लिए हैं अब इसको लॉक कर देंगे फिर से थ्री चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम फोर्टी डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से चलिए हम फोर्टी डबल क्रोशिया बना लेते हैं ये देखिए हमने फोर्टी डबल क्रोशिया बना लिए हैं अब हम फास्ट चेन के अंदर से लेके उसको लॉक कर देंगे इस तरह से फिर से थ्री चेन लेंगे अब हम डबल क्रोशिया के एक साइड में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से देखिए दोनों फंदे को साथ में नहीं लेना है सिर्फ एक फंदे को ही लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर का फंदा लेना है सिर्फ देखिए इस तरह से एक को छोड़ना है और एक फंदे से लेके डबल क्रोशिया बनाना है हमें इस तरह से ये देखिए नीचे का एक हमने छोड़ दिया है और ऊपर का एक लेके हम ये डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी तरह से ये राउंड भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे चलिए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए ये हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है अब हम इसको अटैच कर देंगे ये देखिए एक इस तरह से सेप में आ गया है अब हम थ्री चेन लेंगे और डबल क्रोसिया बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे फिर से वही सेम प्लेस से हम टू और डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से अब हम थ्री डबल क्रोसिया छोड़ के फोर नंबर डबल क्रोसिया के ऊपर से डबल क्रोसिया बनाएंगे टू डबल क्रोसिया लेंगे और बीच में एक चेन का गैप रखेंगे और फिर से टू डबल क्रोसिया बनाएंगे, इसी तरह से देखिए अब हम फिर से थ्री गरौ 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 डबल क्रोसिया का गैप रखेंगे और फोर नंबर डबल क्रोसिया के ऊपर से डबल क्रोसिया बनाएंगे, टू डबल क्रोसिया लेंगे और बीच में एक चेन का गैप रख के फिर से टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से सेम इसी पैटर्न से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे चलिए हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब हम लास्ट में जॉइंट करेंगे इस तरह से फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके आगे एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से हम सेंटर में पहुंच जाएंगे और थ्री चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन लेके फिर से टू डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू अब उसके आगे फिर से टू डबल क्रोशिया लेंगे वन टू बीच में एक चेन का गैप रखेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू अब उसके आगे फिर से सेम उसी पैटर्न से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब हम जॉइंट कर देंगे फिर से हम टू स्लिप स्टिच बनेंगे वन टू अब थ्री चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन का गैप रख के फिर से टू डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम एक चेन लेंगे और उसके आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन लेंगे और टू डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से चेन लेके टू डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन का गैप रख के फिर से हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी पैटर्न का पहले का दो राउंड में हम बीच में चेन का गैप नहीं रखे थे इसमें हम चेन का गैप रखे हैं बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे चेन का गैप रखे हैं हमने और पहले दो में हमने चेन का गैप नहीं रखे थे देखिए इस तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लिए हैं अब हम एक चेन लेके अटैच कर देंगे इसको टू स्लिप स्टिच बनाएंगे वन टू देखिए हमने ये सेंटर तक पहुंच चुके हैं अब हम थ्री चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन बनाएंगे फिर से हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू अब हम टू चेन लेंगे वन टू फिर से हम टू डबल क्रोसिया बनाएंगे वन टू बीच में एक चेन बनाएंगे और टू डबल क्रोसिया और बनाएंगे सेम उसी प्लेस से वन टू आप टू चेन लेंगे और डबल क्रोसिया बनाएंगे चलिए इसी पैटर्न से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं देखिए इस तरह से ये सेप में आएगा चलिए हम कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं अब हम टू स्लिप स्टिच बनाएंगे और को सेंटर में ले जाएंगे वन टू अब हम थ्री चेन लेंगे वन टू थ्री और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले का तीन चेन और ये टू डबल क्रोशिया मिलके हमारा थ्री डबल क्रोशिया बन गया है अब बीच में एक चेन का गैप रखेंगे और फिर से थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री अब हम टू चेन लेंगे और उसके आगे फिर से हम थ्री डबल क्रोसिया बनाएंगे वन टू थ्री और बीच में एक चेन का गैप रखेंगे और फिर से थ्री डबल क्रोशिया या बनाएंगे वन टू थ्री टू चेन लेंगे सेम इसी पैटर्न से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब लास्ट में हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से दो स्लीव स्टिच लेंगे और एक चेन लेके ऊल को कट कर देंगे और पीछे से ऊल को खींच लेंगे इस तरह से अब हम ऊल को कट कर देंगे देखिए ये इस तरह से सेप में बन गया है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अब हम पिंक कलर से डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे देखिए यहाँ गैप में से हम उल को अटैच करेंगे इस तरह से और एक चेन लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से फिर से उसके आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम बीच में बनाएंगे डबल क्रोशिया एक बनाए हैं फिर से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में देखिए यहाँ से हमें बनाना है अब हम फाइव चेन लेंगे और फास्ट चेन से लेके एक रिंग बनाएंगे इस तरह से अब फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेंटर में से अब उसके आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है हमें इस तरह से हमारा टेन डबल क्रोशिया बन गया है अब एक स्लिप स्टिच से बीच में इस तरह से बनाएंगे और उसके आगे फिर से हम टेन डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री बीच में हम फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे फाइव देखिए सेम प्लेस से हम फिर से एक और डबल क्रोशिया बना रहे हैं और फाइव चेन लेंगे और फास्ट चेन से लेके एक रिंग बनाएंगे इस तरह से फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है ये हमारा फिर से टेन डबल क्रोशिया बन गया है अब बीच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से चलिए हम इसी पैटर्न से ये राउंड पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए ये राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अब जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे हम उल को अटैच कर देंगे और एक स्लिप स्टिच लेके उल को कट कर देंगे ये देखिए हमने उल को कट कर लिए हैं ये इस तरह से दिखेगा देखिए दिखे कितना खूबसूरत लग रहा है अब हम फिर से ग्रीन कलर से डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और बिल्कुल यहां से हम जॉइंट करेंगे इस तरह से और टेन चेन बनाएंगे और उसके आगे जॉइंट करेंगे अब फिर से टेन चेन लेंगे और उसके आगे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से इसी पैटर्न से हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिए हैं ये लास्ट में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ये देखिए इस तरह से अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये हमने टेन हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं अब उसके आगे फिर से हम टेन हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरा राउंड हम चेन के ऊपर से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे देखिए इस तरह से ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब हम ऊल को कट कर देंगे ये देखिए ये इस तरह से दिख रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है अब हम इसमें फ्लावर अटैच करेंगे देखिए इस तरह से छोटा और प्यारा फ्लावर हम इसमें अटैच करेंगे इस फ्लावर का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं चलिए हम इसको अटैच करेंगे देखिए हमने इस तरह से साइड में ये फ्लावर अटैच किए हैं और ये छोटा छोटा मोती भी लगा दिए हैं और दिखने में कितना प्यारा लग रहा है ये ये देखिए चलिए हम ये फ्लावर को अटैच करेंगे बिल्कुल यहाँ से हम अटैच करेंगे अब हम इसमें सुई और धागे के मदद से अटैच करेंगे ये देखिए पीछे से हमें सुई को इस तरह से निकलना है और मोती को हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे मोती को ये देखिए हमने ज्वाइंट कर लिए हैं देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है अगर आप लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग